वेलकम दोस्तों, सी लैंग्वेज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं मोहित लूथरा आज आपको 2D एरे के बारे में बताऊंगा। तो 2D एरे डेटा को स्टोर करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम रो और कॉलम के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और इसका जो सिंटैक्स है वो इस प्रकार है, सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद स्पेस देके आपको एरे का नाम लिखना है और उसके बाद आपको ब्रैकेट में रो और कॉलम का साइज देना होता है। अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल में सबसे पहले INT मैंने लिखा। INT इसका डेटा टाइप है, आप CHR भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैंने एरे का नाम AWR लिखा, आप चाहें तो ABC लिख सकते हैं, STR लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका साइज दिया 2 और 3। तो इसका मतलब ये कि इस एरे के अंदर 2 तो रो हो जाएंगी और 3 कॉलम बन जाएंगे। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है, हम इस पूरे प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम है वो मैंने वॉइड मेन से स्टार्ट किया और 2D एरे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने INT AWR और उसका साइज दे दिया 2x3 का, मैंने एरे ले लिया। अब इसमें दो रो बन गई। पहली रो जो है वो 0 नंबर की है और सेकंड नंबर की जो रो है, लाइन है, वो 1 नंबर की है। तो इसमें अगर डेटा मुझे स्टोर करना है तो सीक्वेंस में देना पड़ेगा कि एरे की 0 पोजीशन पे ये 0 नंबर की रो है और 0 नंबर का कॉलम है, वहाँ पे मैं 10 स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने लिखा एरे की 0 पोजीशन यानी फर्स्ट नंबर की रो की बात हो रही है यहाँ पर, और उसके 0 नंबर कॉलम मतलब सेकेंड नंबर के कॉलम की बात हो रही है, वहाँ पर हमने 20 स्टोर किया। इसके बाद हमने एरे की 0 पोजीशन मतलब फर्स्ट नंबर की रो की बात हो रही है यहाँ पर, और उसमें सेकेंड पोजीशन पे यानी कि थर्ड नंबर की रो पे हमने 30 स्टोर किया। तो ये सारा जो डेटा है वो फर्स्ट नंबर की रो, पहली जो लाइन होगी एरे की, उसके अंदर फिल हो जाएगा, उसमें भर जाएगा। अब नीचे की जो कोडिंग है ये सेकंड नंबर की रो के लिए है, दूसरे नंबर की जो रो है उसके लिए। तो क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है इसलिए सेकेंड नंबर की रो जो है वहाँ पर हमने 1 का यूज़ किया है कि रो नंबर 1 है, उसमें कॉलम नंबर हमने दे दिया 0 नंबर के कॉलम पर 40 स्टोर हो जाएगा, और 1 नंबर के रो और उसमें 1 नंबर के कॉलम में 50 स्टोर हो जाएगा। इस प्रकार 1 नंबर की रो और उसके सेकंड कॉलम के अंदर 60 स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जब कमांड एग्जीक्यूट होगी तो दोनों ही रो के अंदर सभी कॉलमों के अंदर नंबर स्टोर हो जाएंगे। इन्हें प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट एफ कमांड का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने प्रिंट एफ का यूज़ किया और प्रिंट एफ में %d हमने 3 बार लगाया क्योंकि 3 वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, और हमने अलग अलग पोजीशन दे दी, 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, इनका डेटा हमने प्रिंट करा दिया 0 नंबर की रो की, पहली रो का है। उसके बाद इसी प्रकार हमने दूसरे नंबर की जो रो है हमारी, उसके सभी कॉलम 0, 1, 2 सभी तीनों कॉलमों का डेटा हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो आएगा 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये सारे नंबर जो भी हम एरे में स्टोर किए प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए सी लैंग्वेज में हम इस प्रोग्राम को बना के देखते हैं किस प्रकार बनेगा। तो इसके लिए सी लैंग्वेज मैंने स्टार्ट कर रखी है, यहाँ पे वॉइड मेन से मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। तो मैंने वॉइड मेन लिखा यहाँ पर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा प्रोग्राम बनेगा। INT कीवर्ड का यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं एरे बना रहा हूँ। यहाँ पे हम इसका साइज देते हैं 2 रो होंगी और 3 कॉलम होगा इस तरह से। यहाँ पर मैं पूरा प्रोग्राम टाइप कर रहा हूँ और एरे के अंदर ये सारी नंबर स्टोर होते चले जाएंगे। तो मुझे एरे का नाम लिखना है, उसकी पोजीशन देनी है, और सबसे पहले 0 पोजीशन पे डेटा स्टोर करना है, उसके बाद 1 पोजीशन पे हमें डेटा स्टोर करना है। तो इस प्रकार ये मैंने प्रोग्राम के कोड लिख लिया है, दोनों रो में डेटा मैं फिल कर चुका हूँ। अब इसे प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज़ करना है। तो प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, यहाँ पे %d लगा लेते हैं। 3 नंबर्स हमें प्रिंट करने पहले फर्स्ट रो के, तो इसलिए 3 बार हम %d यहाँ पे लगाएंगे। तो 3 बार मैंने %d लगाया और यहाँ पर एरे की मैं पोजिशन भी दे दूँगा कि कौन सी पोजीशन का डेटा मुझे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले जो पहली रो है, जो 0 नंबर की रो है, उसकी डेटा मुझे प्रिंट करना है उसके 0 कॉलम का, और उसके बाद मुझे एरे की
फिर से जीरो नंबर की रो और वन नंबर का जो कॉलम है उसका डेटा प्रिंट करना है, और इसके बाद फिर मुझे एरे जीरो नंबर की रो और टू नंबर का कॉलम मुझे प्रिंट कराना है। इसी तरह सेकंड नंबर की लाइन हम टाइप करेंगे, तो इस प्रकार हम टाइप करेंगे। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमने जीरो लिखा था वहाँ पे हमें वन करना है, क्योंकि हम सेकंड रो फिल कर रहे हैं, सेकंड रो के लिए हमें वन पोजीशन का यूज़ करना है, और उसके साथ में उसके कॉलम नंबर भी हम देते जाएंगे। तो एरे वन नंबर की रो और अभी यहाँ पे सेकंड नंबर का जो कॉलम है वो हमने दे दिया। इस प्रकार हमने प्रिंटिंग का काम पूरा कर लिया है। प्रिंटिंग के बाद यहाँ पे आउटपुट को रोकने के लिए गेट सी एच का हम यूज़ करेंगे, जो आउटपुट को रोक के रखेगा। प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं और अब प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए, ये हमारा आउटपुट आया 10, 20, 30, 40, 50, 60, लेकिन 40 और 30 के बीच में स्पेस नहीं आ रहा प्रॉपर, तो उसके लिए हमें यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं, अब रन करते हैं। तो देखिए अब प्रॉपर स्पेस आ रहा है, इस तरह से इसको प्रिंट करेंगे। और अगर आप चाहें कि 40, 50, 60 जो है नेक्स्ट लाइन का जो डेटा है वो नीचे ही प्रिंट हो नेक्स्ट लाइन में, तो उसके लिए यहाँ पर आप बैकस्लैश एन का भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा करने से डेटा अब आपका नेक्स्ट लाइन पे आएगा। इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए अब 40, 50 जो सेकेंड रो का डेटा था वो नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार हम 2D एरे का हम यूज़ करते हैं। 2D एरे के अंदर हम नंबर स्टोर कर सकते हैं और उनको हम प्रिंट कर सकते हैं।